हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है और मीडिया किस तरह से बच्चे को इफेक्ट करता है, उन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे, है ना। ये बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेस है और ये टॉपिक जो है वो हर यूनिवर्सिटियों में आपको मिलेगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड की क्लासेस कर रहे हो या कोर्सेस कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए है ना। तो देखिए, आज हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑफ चाइल्ड, या किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में, है ना, मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, यानी बच्चों पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, इन सब चीज़ों को आज हम देखेंगे और ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि देखिए किसी भी चीज़ का पॉजिटिव साइड होता है और नेगेटिव साइड होता है, तो वो किसी व्यक्ति पर डिपेंड करता है, किसी बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको यूज़ कर रहा है ना। तो उसी तरह आपका सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, इसका भी पॉजिटिव साइड है और नेगेटिव साइड है। तो इम्पैक्ट जब आपको लिखने को आएगा तो आप पॉजिटिव साइड भी लिखोगे और उसकी नेगेटिव साइड, यानी अच्छाई क्या है और उससे बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है, इन दोनों चीज़ों को आप लिखोगे, है ना। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, पड़ रहा है या पड़ेगा बच्चों पर, तो आपको क्या करना है एज ए स्कूल टीचर, क्योंकि आप बीएड कर रहे हो तो आगे चल के आप एक स्कूल टीचर बनोगे, तो आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और किस तरह से बच्चों को उस पॉइंट्स को पढ़ाना है, उस चीज़ को सोशल मीडिया से जब बच्चों को आप कनेक्ट कर रहे हो तो किस किस चीज़ों पर आप ध्यान दोगे, उस चीज़ों को आप देखना। तो पहला पॉइंट है हमारा डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता का मतलब है कि लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इंटरनेट को यूज़ करेंगे, है ना, कितना हद तक इंटरनेट या मीडिया जो है वो मेरे लिए क्या है, आपके किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी पर्सन के लिए सही है और किस तरफ अगर हम मुड़ जाएंगे तो हमारे लिए गलत है, है ना। तो आप एज ए स्कूल टीचर कुछ पॉइंट्स को बताओगे बच्चों को कि आपको इस तरह से आपको सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया हो गई, बहुत सारी तरह के मीडिया, प्रिंट मीडिया है, है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर तरह की मीडिया, आप न्यूज़ देख रहे हो वो भी मीडिया है, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो वो भी मीडिया है ना, आप पेपर पढ़ रहे हो वो भी मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया में आ जाती है। तो ये सब चीज़ों कि आपके पास अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं मीडिया से कनेक्ट करने के लिए। इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी फ्रेंड से मिल सकते हो, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा साधन है कनेक्शन का और ये एक पार्ट है मीडिया का। आप सोशल मीडिया में लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, है ना, ट्विटर यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, सब पार्ट ऑफ मीडिया है। लेकिन क्या आपको हर चीज़ सही दिखती है सोशल मीडिया पे या हर चीज़ गलत दिखती है? आपको मिक्स दिखेगा, कहीं आपको कुछ अच्छा दिखेगा तो कहीं कुछ आपको बुरा दिखेगा, है ना। तो सबसे पहले आपको साक्षर बनाना है बच्चों को कि आपको मीडिया को यूज़ कैसे करना है। हम पॉजिटिव पॉइंट भी पढ़ेंगे इस क्लास में और नेगेटिव पॉइंट भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, जब आप लिखोगे बीएड के नोट्स में तो आप इन सब चीज़ों को जब इंक्लूड करोगे तो आपका जो ये क्वेश्चन होगा या ये आपकी ये टॉपिक सबसे अलग दिखेगी। कैसे आपको लिखना है? हमें छात्रों को सोशल मीडिया का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करने में मदद करने के लिए डिजिटल साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यानी बच्चे क्या है, सोशल मीडिया को यूज़ तो करें, यूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन सही डायरेक्शन में बच्चों को यूज़ करना है ना। आजकल सबके पास आपको मोबाइल फ़ोन मिलेगा, सबके फ़ोन में आपको इंटरनेट मिलेगा, चाहे आप एक लोअर मिडिल क्लास, आप एक पुअर फैमिली के पास चले जाओ या आप किसी भी बहुत बड़े रिच फैमिली के पास या उनके बच्चों के पास चले जाओ, आपको सबके पास आपको फोन मिलेगी और सब मीडिया से इंटरकनेक्टेड है ना। तो ये है कि बच्चे यूज तो करें, यूज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सुरक्षित तरीके से यूज करें, जिम्मेदारी के साथ यूज करें, है ना। तो ये होता है डिजिटल साक्षरता, कि बच्चों को समझाना कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है ना। इसका मतलब है कि ऐसे पाठ बनाना जो उन्हें ऑनलाइन दुनिया के लिए आवश्यक कौशल सिखाए, यानी स्कूल में हमको ऐसे सिलेबस, ऐसे पॉइंट, ऐसे
टॉपिक को इंक्लूड करना चाहिए सिलेबस में, आपके कैरिकुलम में, कि बच्चे को ऑनलाइन दुनिया से कैसे कनेक्ट करना है। डिजिटल साक्षरता पे हमें बढ़ावा देना है। कहाँ बढ़ावा देना है? डिजिटल साक्षरता पे बढ़ावा देना है, ताकि बच्चे अच्छी चीज़ें को देख सके और समझ सके कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ये आप पहला पॉइंट लिखना कि क्या क्या चीज़ें को इंक्लूड करना है। फिर प्रमोटिंग ओपन कम्युनिकेशन, खुले संचार को बढ़ावा देना। स्कूल में एक ऐसी क्लास होनी चाहिए, एक ऐसा पीरियड होना चाहिए जहाँ पे बच्चे अपनी फीलिंग को व्यक्त कर सके, हर नेगेटिव पॉइंट को डिस्कस कर सके बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, और अपने उनके अंदर क्या बातें चल रही हैं, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है, उस पर एक चर्चा होनी चाहिए। खुले संचार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि बच्चे उस पीरियड में जाके, उस क्लासरूम में जाके इस तरह की बातें अपने फीलिंग को, अपनी भावनाओं को, अगर वो डिप्रेशन में है तो उसको वो शेयर कर सके, है ना, और उसके पीछे उन्हें कोई डर ना रहे। खुलकर बातचीत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सोशल मीडिया पर सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करना सीखना। हमें स्कूल में सुरक्षित जगह बनाने की ज़रूरत है जहां छात्र अपने ऑनलाइन अनुभव के बारे में बात करने में सहज महसूस करें, यानी उन्हें बहुत अच्छा पॉजिटिव फील करें बच्चे अपने, क्या है, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंस को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, वे सवाल पूछ सकें, उन्हें कुछ अगर दिक्कत आ रही है, कहीं वो बच्चे फंस रहे हैं तो अपने सवाल पूछ सकें कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैसे उसको डील करूँ, उसके साथ मदद पा सके और ऑनलाइन समस्याओं पर चर्चा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम बीएड कर रहे हैं, हमें आगे चल के एक अच्छा टीचर बनना है, तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उसके बाद हितोधारकों के साथ सहयोग करना। हितोधारक का मतलब यहाँ पे क्या है, कोलैबोरेटिंग विथ स्टैक होल्डर। कोलैबोरेटिंग विथ स्टैक होल्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टैक होल्डर का आपको वहाँ पे आपको कोई बिजनेस से रिलेटेड, कोई कॉमर्स से रिलेटेड ये वर्ड नहीं है। स्टैक होल्डर वही है जो बच्चों की देखभाल करते हैं, बच्चे जिसके साथ जुड़ते हैं, जो बच्चों के देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, वही है ये स्टैक होल्डर। सोशल मीडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। यानी सब जब हम एकजुट होकर काम करेंगे तो सोशल मीडिया में बहुत सारे गलत चीज़ें भी तो आती है ना, हर चीज़ सही नहीं होती है। आपको तय करना है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है ना, इसमें स्कूल, माता पिता, सामुदायिक समूह का मतलब है कम्युनिटी ग्रुप है, और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर शामिल होना चाहिए। यानी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर का मतलब साइकोलॉजिस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए, और ये क्या करेंगे, सब एक साथ मिलके जब काम करेंगे तो बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, है ना, पॉजिटिव साइड में जाएगा। साथ ही मिलके काम करने से छात्रों के सोशल मीडिया का सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से उपयोग करने में मदद करने के बेहतर तरीके मिल सकेंगे। यानी आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माँ बाप की है, साइकोलॉजिस्ट की है, जो आपके कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनकी भी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शैक्षिक क्षमता का दोहन, यानी हरासिंग द एजुकेशनल पोटेंशियल। भले ही सोशल मीडिया से समस्या पैदा हो सकती है, लेकिन यह सीखने के लिए एक मददगार साधक भी हो सकता है। हम स्कूल में सीखने को ज़्यादा मज़ेदार और आकर्षक बनाने के लिए सोशल मीडिया का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब क्लासरूम को इफेक्टिव कैसे आप बनाओगे, देखिए पहले की क्लासरूम इतनी इफेक्टिव नहीं होती थी, तो इसीलिए बच्चों की आईक्यू लेवल उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। अभी के बच्चों से आप अगर 5 साल के बच्चों से बात करो तो वो ऐसी बातें कर जाते हैं कि आप पहले के बच्चे से आप मिलोगे तो वो 10 साल के बच्चे भी वो बातें नहीं कर पाते। उसका क्या है, मीडिया का इफेक्ट। बच्चे बचपन से ही, एक साल का बच्चा या 6 महीने के बच्चे के पास भी अगर आप मोबाइल फ़ोन रखोगे या इस तरह दिखाओगे तो वो उधर ही देखता रहेगा। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। अभी तो आप देखो कि 1 साल के बच्चे के पास भी ये मोबाइल फ़ोन रहता है और वो मोबाइल फ़ोन देख के ही खाना खाता है। आपने ऑब्जॉर्व किया होगा आपके घर में, आपके आसपास, कि बच्चे फ़ोन देख के ही खाना खाते हैं। ये बहुत हद तक गलत भी है, क्योंकि देखिए फ़ोन देख के खाना खिलाना, इससे क्या होगा कि बच्चा पूरी तरीके से उस पर डिपेंडेंट है और खाने का जो डाइजेशन है और खाने का जो मेन जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं होता है, है ना, क्योंकि बच्चे का ध्यान कहीं और है खाने से हटके। ठीक है, तो ये है कि क्या है कि क्लासरूम को हम यहाँ पे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया से आपकी क्लासरूम टीचिंग जो होती है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी जो होती है, वो इफेक्टिव होती है। आप स्मार्ट बोर्ड के थ्रू पढ़ाते हो, है ना,
बहुत सारे चीज, बहुत सारी अलग अलग तरीके के बच्चे को पिक्चर शो करते हो, है ना, ऑडियो विजुअल का यूज करते हो क्लासरूम में, तो इससे क्लासरूम क्या बोलती है, क्या होती है, आकर्षक बनती है अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये था हमने पढ़ा कुछ पॉइंट्स। अब उदाहरण के लिए ऑनलाइन, छात्र ऑनलाइन प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर सकते हैं, है ना, जानकारी साझा कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। इससे उन्हें टीम वर्क और संचार कौशल विकसित करने में मदद मिलती है, जो आज के समय में बहुत जरूरी है, है ना। सोशल मीडिया का इस्तेमाल शोध और कक्षा से बाहर दूसरों के साथ काम साझा करने के लिए भी किया जाता है। समझ में आया? तो ये कुछ पॉइंट है जो आप इंट्रो में लिख सकते हो। उसके बाद आप लिखना पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या मीडिया, है ना, मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया दिया है, आप मीडिया भी दे सकते हो। जैसे शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव यानी सकारात्मक इम्पैक्ट क्या है, सकारात्मक इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा वो आप लिखोगे। जैसे पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन का मतलब है सूचना को क्या करते हैं, सूचना की अदला बदली करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर पीपुल टू शेयर देयर इंटरेस्ट, आइडिया, ओपिनियन, इनसाइट एंड फीलिंग, है ना। यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं लिख के आप मीडिया ही लिखना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मीडिया के थ्रू हम अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, आइडिया को, ओपिनियन को, इनसाइट को, फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा मीडिया इफेक्ट करता है पॉजिटिव। कीपिंग टच विद फार अवे फ्रेंड, अब मीडिया के थ्रू आपके जो दोस्त बहुत दूर है, कोई लंदन में है, मान लीजिए आप पटना में बैठे हो और आपका फ्रेंड दिल्ली में है, तो उससे आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो, डेली बात कर सकते हो, है ना। इवन आपके फ्रेंड को छोड़ो, आपके अगर आप कहीं और जॉब कर रहे हो और आपके माँ बाप कहीं और रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इंडिविजुअल हु लीव फार अवे फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली यूज सोशल मीडिया टू कीप इन टच, ठीक है। अगला है स्प्रेडिंग आइडिया, आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो, फैला सकते हो अपने ज्ञान को, आइडिया को, आपके पास जो आइडिया आया है, आपके पास जो आपके थॉट्स हैं, उसको दूर दूर तक फैलाने में काम कौन करेगा, मीडिया करेगा। एंड सोशल मीडिया इज अ टूल फॉर द पीपल टू स्प्रेड देयर आइडिया थॉट्स अलोंग द अलोइंग द वर्ल्ड टू बी द इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, और उससे क्या है होगा, वर्ल्ड जो है, अगर आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, तो आप जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, वो आपसे प्रभावित होगी, है ना। यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया मेक इट ईजी फॉर कोर सब्जेक्ट टू डिलीवर लेक्चर मोर इजी एंड इफेक्टिवली, यानी इंस्ट्रक्शनल मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने कोर्स को क्या बना सकते हो, कोर्स में लेक्चर को डिलीवर कर सकते हो और अपने सब्जेक्ट को ईजी बना सकते हो, इफेक्टिव बना सकते हो, प्रभावशाली और आसान बनाने में आपके सब्जेक्ट को, आपके कोर्स को कौन हेल्प करेगा, मीडिया हेल्प करता है, ठीक है। अगला है क्वालिटी मीडिया विल इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी इन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज इसेंशियल, यानी क्वालिटी मीडिया क्या करती है, बच्चे को मोटिवेट करती है ना, मोटिवेशन में हेल्प करती है, बच्चे को अभिप्रेरित करती है, क्रिएटिविटी, बच्चे क्रिएटिव बनते हैं बच्चे, है ना, और उनकी लर्निंग में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है, इसीलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मीडिया का बहुत अच्छा इम्पैक्ट माना जाता है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव साइड को देखें, तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि बच्चे क्या है, डिप्रेशन हो सकता है, बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी द पीपल यूज सोशल मीडिया आर मोर लाइकली टू फील सैड, एंजाइटी, लोनली, वॉन्टेड टू हर्ट देमसेल्फ और इवन थिंक अबाउट सुसाइड, यानी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट से आने से क्या होता है, बहुत बच्चे क्या होता है, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो ज़्यादा इसके इम्पैक्ट में रहते हैं, और मान लीजिए कि उनकी मानसिक स्थिति उतनी अपने जो एंजाइटी को हैंडल करने में नहीं उतनी सक्षम है, तो बच्चे क्या करते हैं, इवन सुसाइड भी कर सकते हैं, अपने आप को अकेला रखते हैं, है ना, लोनली पाते हैं अपने आप को, तो ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। इलीगल एक्टिविटी ऑफ हब, इन सोशल मीडिया हैव बिकम ए हब फॉर द इलीगल एक्टिविटी सच एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी और टेररिज्म, नैकोटिक्स ट्रेड इटीसी, यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया का एक इलीगल एक्टिविटी होता है, जैसे बच्चे गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू बच्चे को मीडिया मिल गया, इंटरनेट मिल गया, तो बच्चे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सेक्स रिलेटेड वीडियो देखना स्टार्ट कर देते हैं, अपने पढ़ाई से भटक जाते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, टेररिज्म को बढ़ावा का यानी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। अब क्या है कि एक
जो हेड है आतंकवाद का वो किसी और शहर में बैठा है और अपने जो टेररिस्ट साथी हैं उनको वहीं से हैंडल कर रहा है, वहीं से चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वहीं से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये सब चीजें गलत इम्पैक्ट दे रही है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया एक्ट एज ए डिस्ट्रैक्शन फॉर यंगस्टर। यंगस्टर जो स्कूल बच्चे हैं वो उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चों को पढ़ने में कम मन लग रहा है और सोशल मीडिया पे बच्चे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप है ना, इंस्टाग्राम पे बच्चे एकदम खुल के एकदम घुसे हुए हैं, पूरा दिन रात उसी में देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, है ना, तो एकेडमिक एक्टिविटी उनकी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। दिस इफेक्ट देयर फ्यूचर करियर और इससे उनके करियर जो है, उनकी जो भविष्य है वो खराब हो रही है। प्राइवेसी कंसर्न, सोशल मीडिया कैन बी मिसयूज्ड टू स्टील पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू द ब्रीचेस ऑफ इंडिविजुअल प्राइवेसी। अब क्या होता है, कभी कभी हैक हो जाता है, आपकी अकाउंट हैक हो जाती है, आप अक्सर सुना होगा कि अकाउंट हैक हो जा रही है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो प्राइवेसी है वो क्या है, अब क्या है, कुछ भी चीज़ प्राइवेट नहीं रहा है। सोशल मीडिया में लोग खाना क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, आजकल ब्लॉग आता है, डेली ब्लॉग आता है, तो उसमें लोग कैसे खाना खा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या किसका किससे लड़ाई हो रहा है, ये सब चीज़ें दिखा रही है, तो प्राइवेसी नाम की चीज़ रही नहीं गई है ना। और फ्रॉड, पीपल आर फॉलिंग विक्टिम टू फाइनेंशियल फ्रॉड दैट आर फास्ट गेइंग और फुटहोल्ड थ्रू सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया के थ्रू मीडिया का इम्पैक्ट एक है कि फ्रॉडनेस बहुत बढ़ गया है। आपको, आपने सुना होगा कि फ़ोन आता था कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं, इस तरह का बहुत चला था कि वो हम आपके बैंक बोल रहे हैं, आप अकाउंट का CVR नंबर दीजिए, इस तरह का नंबर लेके आपके अकाउंट से वो पैसे डिटेक्ट कर लेते थे, चोरी हो जाती थी, तो ये फ्रॉडनेस का एक तरीका हुआ। तो इन सब चीज़ों को आप अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हो कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आई थिंक आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी, है ना। तो किड्स हु यूज़ मीडिया इन देयर बेडरूम often don't enough sleep at night। अब बहुत बच्चे ना रात रात तक, आपने देखा होगा कि 12 बजे 1 बजे रात तक फ़ोन चला रहे हैं, तो वो सो नहीं पाते हैं। जब आप सो नहीं पाओगे तो ऑब्वियस है आप डिप्रेशन में जाओगे, आपका हेल्थ जो है वो सही नहीं रहेगा, है ना। यूज़ मीडिया ऑल्सो एक्सपोज किड्स टू साइबर बुलिंग, और साइबर बुलिंग हो रही है आजकल, बच्चे को टॉर्चर किया जा रहा है, विच हैज़ बिन लिंक टू डिप्रेशन एंड सुसाइड, एंड मीडिया यूज कैन डिस्ट्रैक्ट किड्स फ्रॉम इंपॉर्टेंट टास्क, इन्फरेंस विद इंटरफेस विद होमवर्क टाइम एंड हार्ट स्कूल परफॉर्मेंस। यानी बच्चों को जब होमवर्क करना है तो बच्चे सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, सोशल मीडिया में अपना टाइम बिता के अपने होमवर्क को भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट है जो कि आप लिख सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पैक्ट आपको कैसे लिखना है, पॉजिटिव साइड में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, नेगेटिव साइड में कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं। या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, लॉन्ग आंसर साइड में आपको सब कुछ लिखना होगा, है ना। तो इस तरह से आप लिख कर आइए, है ना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, है ना। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।